हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब पर चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर लेजर को क्रिएट करना जानेंगे, देखेंगे कि लेजर को कैसे मेंटेन करते हैं और लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एकदम स्मार्ट लेजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जब लेजर क्रिएट हो जाएगी आपको सिर्फ इसके अंदर एंट्रीज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी जो है ये लेजर जो है अपने आप सब कुछ खुद से मेंटेन कर लेगी, ठीक है फ्रेंड्स। बस आपको फर्स्ट टाइम इस लेजर को क्रिएट करना है। इस लेजर का डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी चाहे तो इस लेजर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उस लेजर में पासवर्ड लगा हुआ है, उस पासवर्ड को अगर आपको जानना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको जो है पासवर्ड दो टुकड़ों में आपको पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लेजर बनाने के लिए आपके पास जो है इंडेक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे इंडेक्स को डिजाइन करते हैं। तो उसके कुछ मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सीरियल नंबर, ठीक है। सीरियल नंबर हमने यहाँ पे एंटर किया। फिर उसके बाद हमें चाहिए कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर की डिटेल यहाँ पे, और जैसे कस्टमर का ईमेल एड्रेस, कस्टमर का। फिर हमें चाहिए मोबाइल नंबर, ठीक है, हमने मोबाइल नंबर ले लिया, ईमेल एड्रेस ले लिया। उसके बाद एड्रेस चाहिए हमें कस्टमर का। अब एड्रेस के बाद जो है हमें यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितना अकाउंट लेफ्ट में है या माइनस में है, ठीक है, कितना लेफ्ट में है। तो पूरी डिटेल जो है हमें यहाँ पे बैलेंस की मिल जाएगी, कितना बैलेंस हमें देना है या लेना है, ठीक है, यहाँ पे हमें शो हो जाएगा अकाउंट बैलेंस के अंदर। बाकी क्रेडिट लिमिट के लिए अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं क्रेडिट लिमिट, नहीं देना चाहते तो सिंपल सा आप यहाँ पे DRCR कर दीजिए, जिससे आपको पता रहे कि क्रेडिट है डेबिट है। और यहाँ पे हमें प्रोफाइल स्विच करने के लिए हमें एक गो टू अकाउंट चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गो टू अकाउंट। यहाँ पे हमें लिंक मिलेगा देखने को, जिसके थ्रू जो है हम कस्टमर की प्रोफाइल पे स्विच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का ये काम है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, कस्टमर का एड्रेस है, उसका अकाउंट बैलेंस का स्टेटस है कि अकाउंट बैलेंस में है, ठीक है, और यहाँ पे गो टू अकाउंट की डिटेल है। अब हमें यहाँ पे जो है ये ऊपर वाली सेल्स को जो है दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट, और इसको हैंग कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स है, और इसको कस्टमर समरी भी बोलते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टमर समरी। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या अगर आपका खुद का ऑफिस है या खुद की शॉप है या कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको जो है अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डाला 1, और कुछ सीरियल नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं फिल बाय सीरीज़ कर देता हूँ। तो सीरियल नंबर भी हमारे पास सीरीज़ में आ गए हैं। तो इंडेक्स के जितने लगभग एट्रीब्यूट्स होते हैं मेन वो तो हमने यहाँ पर एंटर कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस को जो है थोड़ा सा डिज़ाइन करना है अपने हिसाब से, यानी हमें इसकी जो है फॉर्मेटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ येलो कलर, और ये वाला जो इसका हेडर वाला सेक्शन है यहाँ पे मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूँ, जिससे कि दिखने में भी अच्छा रहे और समझने में भी सही रहे। और बाकी जो ये वाला सेक्शन है फ्रेंड्स, इस सेक्शन में मैं बैकग्राउंड कलर कुछ छोड़ दे देता हूँ। आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है कलर को खुद डिसाइड कीजिएगा आपको क्या कलर देना है, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कलर्स को मैंने सेट कर लिया, और इसको जो है यहाँ पे बॉर्डर्स में ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ, ठीक है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो देखिए हमारे पास इंडेक्स जो है हमारे पास रेडी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इंडेक्स के अंदर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है, कस्टमर की यहाँ पे हम एक एंट्री करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 16 नंबर की एंट्री हो रखी है, मान के चलिए अब मेरे को 17 नंबर की एंट्री चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ऑटो फिल नहीं होगा, यहाँ पे हमें 17 नंबर पे खुद से फॉर्मूले और खुद से हर चीज़ जो है सेट करनी पड़ेगी, तब जाके जो है यहाँ पे काम होगा। तो उससे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इस वाले सेक्शन को ना क्या करते हैं, ये हमारा जो ऊपर हेडर वाला सेक्शन है इससे लेके नीचे तक पूरे को हम टेबल में क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे पास इसकी टेबल बन जाए। तो यहाँ से कंट्रोल टी कर दूंगा मैं, ठीक है,
तो यहाँ पे जो है अभी टेबल में हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो उसको मैंने सेलेक्ट किया हेडर को और पूरे नीचे तक आ गया और कंट्रोल टी किया, ठीक है। तो क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि माई टेबल हैज़ हेडर, तो हाँ है मेरे टेबल के अंदर हेडर, यहाँ से मेरे को ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हेडर्स पे जो है फिल्टर आ जाएगा। इस फिल्टर को रिमूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल शिफ्ट एल करना है। तो देखिए फिल्टर जो है रिमूव हो जाएगा और टेबल स्टाइल्स में आके इसको जो है आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा जो है फॉर्मेट रेडी है। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 17 नंबर की एंट्री करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक जो है फिल होता जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक कस्टमर की मैं एंट्री ले लेता हूँ। जैसे मैं कस्टमर वन पे गया और यहाँ पे मेरा कोई कस्टमर है जिसका नाम है आयुष सिंह, ठीक है। उसका ईमेल एड्रेस xyz@xyz.com जो भी उसका ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर उसका जो भी लिख दो यहाँ पे, आपको जो भी उसका मोबाइल नंबर देना है आप जो है अपने हिसाब से जो है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए और ऐसी एड्रेस की एंट्री भी आप कर दीजिए, ठीक है। अकाउंट बैलेंस मेरे को यहाँ पे शो कराना है, क्रेडिट डेबिट यहाँ पे शो कराना है और यहाँ पे मुझे उसका प्रोफाइल का अकाउंट शो कराना है, ताकि जब मैं आयुष सिंह की प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो उसकी प्रोफाइल जो है ओपन हो जाए। तो अभी हमारे पास यहाँ पे लेजर में एक कस्टमर आ चुका है, ठीक है। अभी हमें इसका अकाउंट बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एक्सेल शीट 2 आ जाएगी। तो हमारा कस्टमर का नेम है क्या है, आयुष सिंह। तो ये जो शीट 2 है इसे मैं आयुष सिंह के नाम से कर देता हूँ, रीनेम आयुष सिंह, ठीक है। आयुष सिंह के नाम से रीनेम कर दिया मैंने। और शीट 1 जो है ये हमारी इंडेक्स है, ठीक है। तो इसको मैं इंडेक्स समरी कर देता हूँ, इंडेक्स समरी, ठीक है, जिससे कि हमें पता रहे। अब यहाँ पे हमें लिंक करना है, पूरी फंक्शनिंग लानी है। अब जाना है हमें आयुष सिंह के पास। अब जैसे हमने इंडेक्स को जो है डिज़ाइन किया था, अब ऐसे ही जो है हमें इसको डिज़ाइन करना है लेज़र को आयुष सिंह का। तो चलिए अब यहाँ पे जो है कुछ एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे डाल देते हैं, जो बेसिक एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे सीरियल नंबर। उसके बाद चाहिए हमें डेट, डेट के बाद हमें चाहिए पर्टिकुलर, पर्टिकुलर की हमने एंट्री कर दी। अब हमें डेबिट का चाहिए, कितना हमने उसको पैसे दिए। अब चाहिए हमें क्रेडिट, उसने हमें कितने दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे बैलेंस शो करना चाहिए कि हम हमारा बैलेंस नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है या पॉजिटिव में, यानी जो भी बैलेंस का स्टेटस है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा बैलेंस में। अब यहाँ पे हमें क्रेडिट डेबिट का जो है शो करना है, तो DRCR मैंने कर दिया। तो यहाँ पे हमने डेबिट क्रेडिट की एंट्री यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, जैसा भी आपको सेट रखना है इसको। पर्टिकुलर इतना बड़ा चाहिए, क्रेडिट डेबिट दोनों को मेंटेन कर दो, बैलेंस को भी मेंटेन कर दो और इस वाले पोर्शन को भी, ठीक है। अब ऊपर वाले जो पोर्शन है हमारा, इसमें हमें अकाउंट बताना पड़ेगा, अकाउंट किसका है। तो यहाँ पर हम अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकाउंट ऑफ, किसका अकाउंट है, ये अकाउंट है आयुष सिंह का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयुष सिंह। इस वाले फॉर्मेट को बस हमें एक बार बनाना है, उसके बाद आपको बस कॉपी पेस्ट करते जाना है, कोई भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं होगी। तो इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे फटाफट हम यहाँ पे भी कर देते हैं और इस वाले सेक्शन को हम अलग कलर दे देते हैं, जो भी कलर सही लगे। थोड़ा बैकग्राउंड लाइट रहेगा तो ब्लैक कलर अच्छे से दिखेगा। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर्स की एंट्री कर देते हैं। अब कुछ सीरियल नंबर्स की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है। और इसको हम फिल करा देते हैं सीरीज़ में, जिससे कि ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगी जो नंबर्स हैं। अब रह गई बात यहाँ पे डेट की, तो डेट वाली एंट्रीज़ में क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेट को जो है हम यहाँ पे, ये डेट वाला सेक्शन है, इसको हम पूरा का पूरा जो सेक्शन है इसको हम डेट से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले इसका जो फॉर्मेट सेल हम दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे जाते हैं, डेट में जाते हैं और इसको मैं इस डेट फॉर्मेट में जो है रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ओके कर दिया मैंने। अभी जो क्रेडिट डेबिट वाली लिस्ट है और बैलेंस वाली लिस्ट है, इसको भी जो है मैं रुपीज़ में शो कराना चाहता हूँ,
क्योंकि जो मेरे पैसे हैं वो मुझे यहाँ पे रुपीज़ में शो होने चाहिए, जो करेंसी का सिंबल आना चाहिए। तो इंडियन रुपीज़ का सिंबल देखिए रहा, और उसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, इतनी एंट्रीज़ हमारे पास हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो है हमें डेबिट अकाउंट दिखाना है, तो यहाँ पे मैं इन चारों सेल को मर्ज कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट। ठीक है, डेबिट अकाउंट चाहिए मेरे को। अब डेबिट अकाउंट के बाद अब मेरे को चाहिए, डेबिट अकाउंट के बाद अब हमें यहाँ पे चाहिए क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, तो हमें क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे शो करवाना है, तो उसको मैंने मर्ज कर दिया, रैप कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब क्रेडिट अमाउंट हो गया, अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस भी शो कराना है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी शो कराना है। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, रैप कर देता हूँ इमेज में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे तीनों डिटेल्स आ चुकी हैं। अब हमें इन सेल्स के अंदर यहाँ पे डेटा शो करवाना है। ठीक है, यहाँ पे भी कर देता हूँ, इसको भी मर्ज कर देता हूँ, और ऐसे ही इसको भी मर्ज कर देता हूँ। अब हमें इसके अंदर डेटा जो है शो करवाना है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँ, इतने हिस्से को मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूँ, एक ठीक है ये कलर सही लग रहा है मेरे को, और इस वाले सेक्शन को मैं एक दूसरा कलर दे देता हूँ। ठीक है, पैसे का लेन देन है भाई, तो इसको कलर ग्रीन से ही शो करते हैं, ताकि ईज़िली जो है हम यहाँ पे शो रहे। अब जो है इन सभी पे जो है हम यहाँ पे बॉर्डर्स जो है प्रोवाइड कर देते हैं, और नीचे एक नोट्स का एक सेक्शन दे देंगे। ठीक है, बॉर्डर्स हमने प्रोवाइड कर दिए, और इन दोनों को क्या करना है, यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया नोट्स। इसके अंदर हमें यहाँ पे नोट्स देखने को मिल जाएंगे, इसको भी हम सेंटर में लाइन कर देते हैं, और इस पूरी सेल को यहाँ से यहाँ तक मैं मर्ज कर देता हूँ, और सेंटर में लाइन कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, और इनका जो है मैं कलर जो है चेंज कर देता हूँ यहाँ से कोई दूसरा, जिससे कि मेरे को अलग से शो हो जाए। तो यहाँ पे हमारा नोट्स वाला सेक्शन आ गया। अगर आपको कोई क्वेरी है किसी कस्टमर की, चाहे कोई डिटेल है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब जो है क्या करना है, इन सभी को जो है मेरे को कर देना है बोल्ड। तो सभी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, सभी को सेंटर में लाइन भी करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे और ये वाला जो सेक्शन है हमारा हेडर वाला, इसको जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, समझ रहे हो, जिससे कि इजीली विजिबल रहे मेरे को। तो इसका फॉन्ट साइज में बढ़ा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आई थिंक जो है आप सभी समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अब इस वाले अकाउंट में हमें पैसे जो है वैसे शो होंगे, तो चलिए एक एंट्री करके देख लेते हैं। हमने आयुष सिंह का अकाउंट यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बैलेंस अपडेट कराना है, और आपस में एक दूसरे को लिंक कराना है। ठीक है, मान के चलते हैं 2 फरवरी 2022। ठीक है, 2022 में लिखूँगा। तो देखिए यहाँ पे हमने डेट को जो है वहाँ पे फॉर्मेट सेट किया था, तो उस हिसाब से डेट जो है शो हो रही है 2 फरवरी 2022। तो 2022 को मैंने आयुष सिंह का मोबाइल रिचार्ज किया था, तो मैंने यहाँ लिखा मोबाइल रिचार्ज कितने का किया है, 500 रुपये का किया है, अपने पास से मैंने पैसे दिए हैं। ठीक है, 500 रुपये यहाँ पे शो हो गया। अब मुझे यहाँ पे बैलेंस जो है अपडेट करवाना है, और यहाँ पे मेरे को शो करवाना है कि क्रेडिट है या डेबिट है। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस अपडेट करने के लिए आपको फॉर्मूला सेट करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जाना है और लिखना है इक्वल टू दिस माइनस दिस। ठीक है, कर देना है एंटर, तो यहाँ पे जो है बैलेंस शो हो जाएगा। अब मान के चलते हैं 2 तारीख को हमने रिचार्ज किया, और 3 फरवरी को 3/2/2022 को हमें जो है कैश रिसीव होता है कस्टमर से 200 रुपये।
तो रिसीव हुआ है तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे हम 200 रुपये। अब यहाँ पे हमें बैलेंस अपडेट करवाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अकाउंट जो है बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस फॉर्मूले को आपको पूरी सेल पे जो है अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई नई एंट्री करता हूँ 3 तारीख को ही, मान लो कि मैंने कस्टमर का कोई काम किया तो उसका बिल बना 3000 रुपये का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3000 रुपये की एंट्री कर दी है डेबिट में, अभी कस्टमर ने दिए नहीं है, सिर्फ मैंने काम कर दिया है कस्टमर से लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे को जो है अकाउंट बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एंट्री जो है डेबिट के अंदर करी है 3 ये और 500 की है, जिसमें से सिर्फ 200 रुपये हमें मिले हैं। तो कितना यहाँ पे डेबिट दिखा रहा है, 3300 रुपये जो है अभी हमें कस्टमर से लेने हैं। अब यहाँ पे जो है हमें शो करवाना है क्रेडिट है डेबिट है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें इफ़ फंक्शन का यूज़ करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में हमें बैलेंस लिखना है, हमारा जो बैलेंस है वो कितना होना चाहिए, वो लेस देन होना चाहिए 0, ठीक है। जब 0 होगा तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे DR, इसको मैं ब्रैकेट लगा दिया। और अगर बैलेंस लेस देन 0 हो तो DR हो, नहीं तो CR प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CR और यहाँ पे कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज और कर देते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे CR जो है प्रिंट हो गया है। अब इसी फॉर्मूले को पूरी टेबल पे सेट कर दीजिए। अब हमारा ये वाला पोर्शन रेडी हो गया। अब बात है डेबिट अकाउंट की, तो डेबिट अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल टू सम, ठीक है, इक्वल टू सम कर दिया हमने। अब इसके बाद जो क्या करना है, डेबिट अकाउंट में हमें क्या करना है, पूरी पूरी सेल सेलेक्ट करनी है, कौन सी वाली, डेबिट वाली। तो चलिए ये वाली सेल है हमारी, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस जो है अपडेट हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। और अब बारी आती है क्रेडिट अमाउंट की, तो यहाँ पे भी सेम यही काम करना है हमें, सम में अब हमें यहाँ पे करना है क्रेडिट, सभी को सिलेक्ट कर देना और क्या कर देना है, एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्रेडिट अमाउंट जो है अपडेट हो गया है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग बैलेंस शो करना है, तो क्लोजिंग बैलेंस शो करने का मैं यानी सिंपल सा फॉर्मूला है, डेबिट माइनस क्रेडिट कर देना है, यानी दिस सेल टू दिस सेल आपको माइनस कर देना है और एंटर कर देना है, तो आपको जो है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो है शो हो जाएगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे बैलेंस को अपडेट कर दिया है। अब लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना, मान लो कि हमारी 17 एंट्रीज हो गई है, अब 18 एंट्री की बारी आती है। तो जैसे मैं एंट्री करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला जो है अप्लाई नहीं हो रहा है दूसरी सेल में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस टेबल को जो है क्रिएट कर लेना है, इसे टेबल में क्रिएट कर लेना है इन सभी सेल को, तो कंट्रोल टी कर देना है। तो हमारे पास हेडर है, तो इस ऑप्शन को इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये वाला ऑप्शन जो है चेक कराना चाहिए आपके पास, ठीक है, और इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद देखिए फिल्टर आ जाएंगे, इसको आपको कर देना है रिमूव। तो रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट एल कर देना है, तो देखिए रिमूव हो जाएगा। और जो हमारा टेबल का स्टाइल है इसको फिलहाल आप जो है क्लियर ही कर दो, हमारा काम हो गया। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 18 नंबर लिखते हैं, तो देखिए एंट्रीज और फॉर्मूले जो है ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स इंडेक्स में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे गो टू अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक मी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक मी पे क्लिक करूँ तो मेरे पास जो है आयु सिंह का अकाउंट जो है खुल जाना चाहिए। तो ठीक है चलते हैं, क्लिक मी पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस वाली सेल पे। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक, लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आयु सिंह का, ओके कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आयु सिंह के अकाउंट पे जो है स्विच हो जाएंगे। तो देखा आपने फ्रेंड्स यहाँ पे जो है
आयुष सिंह के अकाउंट में जो है हम जंप करके आ चुके हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करके जंप करके यहाँ पे आए आयुष सिंह के अकाउंट में, तो मेरे को यहाँ पे भी एक ऑप्शन मिलना चाहिए, एक बटन मिलना चाहिए जिससे कि मैं इंडेक्स समरी पे पहुँच जाऊँ। क्योंकि जब फ्रेंड्स हमारे पास कस्टमर की लिस्ट ज़्यादा होगी, फिर आप बार बार जो है यहाँ पे शीट थोड़ा ढूंढेंगे, तो अब ऐसे केस में आपके पास ये एडवांस ऑप्शन होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम एक बटन को क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली लिंक देके भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप किसी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस शेप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, राउंडेड कॉर्नर वाली जो रेक्टेंगल शेप है इसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। और इस बटन का नाम यहाँ पे हम देंगे इंडेक्स, गो टू इंडेक्स करके दे देंगे। तो चलिए पहले तो हम इसका एक इफेक्ट दे देते हैं, देखते हैं कि कौन सा इफेक्ट इस पर थोड़ा सा सही लग रहा है। B1 इम्बोस ये दे देते हैं। शेप कलर इसके अंदर हम फिल कर देते हैं रेड, ठीक है, रेड इजीली विजिबल है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं गो टू समरी, ठीक है। गो टू समरी पे मैंने क्लिक किया तो ये जो है मेरे को इंडेक्स की समरी वाली पेज पे जो है जंप करा देगा, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना है और इसको मैं सेंटर में अलाइन करा देता हूँ और थोड़ा सा साइज जो है इसका बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, और इसको तो डबल अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, जिससे इजीली विजिबल हो। अब आपको क्या करना है, जब आपका बटन तैयार हो जाए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंक का, लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और इंडेक्स समरी पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। बस इतना सा काम है। ओके करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से अगर आप किसी कस्टमर की प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, सिंपली क्लिक कीजिए, आप उस कस्टमर की प्रोफाइल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपने वाला फॉर्मेट तो तैयार कर लिया है, ठीक है, अब इस फॉर्मेट को आपको दूसरे कस्टमर के लिए भी यूज़ करना है, ठीक है। तब ऐसे में आप कैसे करेंगे तो वो भी आप देख लीजिए। ये हमारा फॉर्मेट जो है फाइनल हो चुका है, अब मेरे को इस फॉर्मेट को जो है अपने कस्टमर के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप जो है ना इसकी एक कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसको भी पहले मैं बोल्ड कर लेता हूँ। आप इसकी एक कॉपी कर लीजिए। कॉपी कैसे करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मूव और कॉपी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और आपको क्रिएट अ कॉपी मूव टू एंड पे जो है सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो देखिए एक सेकेंड कॉपी जो है आपके पास आ जाएगी। मान लीजिए कोई सेकेंड कस्टमर हमारे पास है, ठीक है, उसका नाम है प्रिया शर्मा, ठीक है, कस्टमर है हमारा। और इस प्रोफाइल पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, रीनेम कर दीजिए कस्टमर नेम से, जो कस्टमर का नेम है प्रिया शर्मा, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट ऑफ किसका अकाउंट है, ये प्रिया शर्मा का अकाउंट है, तो यहाँ पे ओनर की डिटेल चेंज कर दीजिए, प्रिया शर्मा। आपको इतना काम करना है और यहाँ पे जो एंट्रीज हो रखी है, मान लीजिए एक एंट्री है, दो एंट्री है, जो भी एंट्रीज है इसको सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से जो है डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। एंट्रीज जो है क्लियर हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी इनकी एंट्रीज है वहाँ पे एंट्री करते जाइए, बैलेंस यहाँ पे जो है अपडेट होता जाएगा। और अगर आपको इनके अकाउंट पे जाना है तो समरी पे क्लिक कर दीजिए और ऐसे इनके अकाउंट का यहाँ पे अगर आपको लिंक बनाना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक मी का एक कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए और फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है, सॉरी फॉर्मेट सेल पे क्लिक कीजिए कह रहा हूँ। आपको लिंक लेना है इसमें तो हमें लिंक पे क्लिक करना है और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट क्या नाम है प्रिया शर्मा, ओके कर देना है। तो अब जैसे मैं इनके अकाउंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं जंप करके आ जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इंडेक्स समरी में यहाँ पे बैलेंस को जो है अपडेट करवाना है। क्यों, क्योंकि मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए, ये नहीं कि बार बार मैं किसी के अकाउंट में जाके चेक कर रहा हूँ कि क्या उसका अकाउंट का स्टेटस है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस बार बार चेक करने के लिए मुझे इंडेक्स समरी पे भी यहाँ पे भी अपडेट चाहिए। तो मैं कैसे कराऊँगा, कुछ नहीं, आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू, लिखना है सम। अब उसके बाद आपको आयुष सिंह का अकाउंट पर जाना है, क्योंकि हम आयुष सिंह का चेक कर रहे हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर देना और एंटर कर देना है। तो आयुष का बैलेंस अपडेट हो गया, ऐसे ही प्रिया का बैलेंस अपडेट करना है तो इक्वल टू सम, और प्रिया के अकाउंट पे जाऊंगा मैं प्रिया शर्मा के, और क्लोजिंग बैलेंस को सिलेक्ट करूंगा, एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे जो है इनका बैलेंस अपडेट हो गया। अब ये वाला जो सेक्शन है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये अकाउंट बैलेंस का सेक्शन है ये मेरे को रुपीज़ में शो हो। यहाँ पे जाऊंगा, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करूंगा तो करेंसी का सिंबल मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे करेंसी में, करेंसी कहाँ गया, ये रहा।
और यहाँ पे हमारा रुपीज़ सिलेक्ट है, ओके कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हमें रुपीज़ में जो है अब इसका जो है डेटा हमें मिलने लगेगा। ऐसी नेक्स्ट कस्टमर की एंट्री करनी होगी आपको, तो कुछ नहीं करना, इसकी एक नेक्स्ट कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद उसकी एंट्रीज़ को डिलीट कर दीजिए और आपस में यहाँ आके उस पेज को लिंक कर दीजिए। देखा फ्रेंड्स कितना सिंपल सा तरीका है। और इस शीट को जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आई थिंक आप सभी को पासवर्ड दिख गया होगा कि इसका पासवर्ड क्या है। तो दो हिस्सों में मैंने इसका पासवर्ड दे रखा है, दोनों को आप मिला के जो है पासवर्ड डाल दीजिएगा, शीट जो है ओपन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।